हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन। और ये बताना चाहता हूँ कि अरिथमेटिक आसान है अगर आप उसे रीड करेंगे तो। कंप्यूटर जी दिखाया जाए सवाल, प्लीज़ क्वेश्चन दिखाया जाए। अब एक सवाल को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि दो ट्रेन है जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक, मतलब एक ही ट्रैक पे चल रही हैं। पहली लाइन से हमें हमारे दिमाग में एक विजुलाइजेशन हो जाना चाहिए कि दो ट्रेन्स हैं और दो ट्रेन्स किस तरह से कवर कर रही हैं, अपोजिट में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। वन ट्रेन ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ तक भी बहुत आसान है, एक 40 है एक 60 है, अच्छी बात है। एट द सेम लोकेशन अ बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एट द सेम लोकेशन ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन के मतलब सामने से बर्ड भी जो है फ्लाई करने लगी, एक बर्ड आ गई, ठीक है। व्हेन इट रीचेज द स्लो ट्रेन, अब वो आगे चल रही है 90 से, अब जाहिर सी बात है कि बर्ड की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो बर्ड की स्पीड ज़्यादा है, तो बर्ड क्या कर रही है, वहाँ गई, कहाँ गई, स्लोवर ट्रेन के पास, फिर वहाँ से वापस आ गई। ये पढ़ने आपको समझ में आना चाहिए। इट टर्न्स अराउंड फ्लाइज इन द प्रोडक्शन सेम स्पीड, फिर गई वापस आई, ये अगेन करे। अब व्हेन इट रीचेज द फास्ट ट्रेन अगेन इट टर्न्स अराउंड एंड सो ऑन, मतलब गई 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 बढ़ गई आई बढ़ गई आई गई आई, ये हमने डिसाइड कर लिया। बोला जब दो ट्रेन टकरा गई तो बताओ कि हाउ फार हैज़ द बर्ड फ्लोन, तो बर्ड कितना फ्लो करी गई। अगर मुझे डर लगता है बोट ट्रेन के चैप्टर से, अगर मुझे डर लगता है टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर से, अगर मुझे डर लगता है बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर से, तो मैं ये सवाल देखते ही पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं इसको मतलब डर जाऊँगा, मैं इसे कर नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी फीलिंग अच्छी अच्छी आने लगे, मुझे इतना पता चले कि यार डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर एक की स्पीड होगी, 40 किलोमीटर पर आवर एक की स्पीड होगी, कह रहा है टकराने तक, यहाँ पे एक बर्ड है जो टकराने तक इन्हीं के बीच में कूदती रहती है, जंप करती रहती है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि स्पीड ऑफ बर्ड भी पता है, और स्पीड ऑफ बर्ड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये समझो कि दोनों टकराएंगे कितनी देर में, बस इतना ही निकालना था, और वो रीडिंग से आएगा। तो ये दोनों टकराएंगी कितनी देर में, तो टकराएंगी कितनी देर में, अगर इनकी स्पीड प्लस कर दोगे तो 100/100 यानी 1 आवर में टकराएंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो RS पता होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड की प्लस क्यों हुई, क्योंकि जब एक दूसरे का पीछे मतलब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं दो लोग तो स्पीड्स क्या होती है, प्लस होती है, स्पीड्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इस केस में स्पीड टोटल होगी यानी RS हो गया कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, और चलना कितना है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस 100 किलोमीटर यानी 1 घंटा लगेगा, यानी उनको टकराने में 1 घंटा लगेगा। तो बर्ड भी 1 घंटे तक तो इधर उधर करेगी, अरे समझ में आया क्या, 1 घंटे तक इधर उधर करेगी, मतलब वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगी, तो दैट इज आंसर विल बी व्हाट, 90 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सवाल को और अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप बर्ड के चलने पे चले जाओगे ना कि बर्ड ऐसे गई होगी, इतना गई होगी, उतना आई होगी, इतना गई होगी, उतना, तो कभी नहीं सवाल सॉल्व होगा। ये डायरेक्ट रीड करके फीलिंग लेके ये सवाल सॉल्व होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।